दोस्तों कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। मीज़र ने शेल्टर बेटी में दोस्तों आज मैं आपको उसका बताने लगी हूँ, मुँह से बदबू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और कौन सी वजूहत है आपने सौंफ लेने, सब्ज़ी इलायची लेनी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों मुँह से बदबू इस वजह से भी आती है, हम जब खाना खाते हैं ब्रश नहीं करते, पानी नहीं पीते, मेरे सिकुड़ जाते, बुखार होते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो खाना नहीं खाते टाइम पे, तो हमारी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैदा ख़राब रहता है और मुझसे बदबू आती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें और आप टाइम पे खाना खाएं और ब्रश करें। तो आपने क्या करना है कि आपने सौंफ लेने, इनको तवे पे हल्का सा भून लेना है। तो सब्ज़ इलायची लेनी है तो इसमें से बीच में काल का आपने सौंफों में मिक्स कर लेना है। सौंफ आपको पता है ठंड है, ये मैदे को ठंडा भी रखते हैं, तो इलायची में भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप इन दोनों को मिक्स करके आपने चलते फिरते चबा लें, अपने मुँह में डाल लें और चबाते रहें, तो इंशाल्लाह 3 ही दिन में आपके मुँह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। शुक्रिया।